जय हिंद दोस्तों तैयार दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है चलिए दोस्तों आज हम आप लोगों को फिर से बताएंगे साइंस का जो क्वेश्चन बैंक का 2023 में पूछा गया द्वितीय पाली का क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन और इससे पहले पार्ट वन में हम आपको एक से लेकर चालीस तक बता दिए थे ठीक है और आज बताएंगे क्वेश्चन नंबर इकतालीस से ठीक है क्वेश्चन नंबर इकतालीस से और आप लोगों को फिर से बता दी ये क्वेश्चन पूछा गया है दो में जो एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड पाली में ठीक है सेकेंड पाली में यानी कि सेकेंड सीटिंग में उसका ये क्वेश्चन है ठीक ना तो सेकेंड पाली का ये क्वेश्चन है और अगर आप इससे पहले नहीं पढ़े हैं और अभी आपके पास यानी कि साठ से सत्तर दिन समय है अगर क्वेश्चन बैंक पूरा कंप्लीट कर लेते हैं ये मेरा मानना है कि अगर आप क्वेश्चन बैंक से सारा क्वेश्चन करके जाते हैं 2011 से लेकर ध्यान दीजिए 2011 से 2023 तक का क्वेश्चन बैंक में जितना भी क्वेश्चन है उसको अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपका मार्क्स बेहतर आएगा आप केवल क्वेश्चन बैंक पढ़कर आप अपने एग्जाम में बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं तो कहने का मेरा एक ही मतलब है कि जो भी स्टूडेंट अभी तक तो कुछ भी नहीं पढ़े हैं एक बार क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर पढ़िएगा अभी हम आपको ऑब्जेक्टिव का क्लास दे रहे हैं मैथ्स का शानदार क्लास चल रहा है वहाँ पर देख लीजिए और साइंस का भी शानदार क्लास है ये ठीक है ये सारा क्लास आप लोग देखिए क्वेश्चन बैंक यानी कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आप लोग हम बताए थे बहुत बार कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी है ठीक है और बिहार बोर्ड में अक्सर आपको क्वेश्चन बैंक से ही स्टूडेंट पढ़कर अच्छा मार्क्स अचीव करता है तो क्वेश्चन बैंक आपको हम बता ही दिए हैं कि दो में पूछा गया है ठीक है दो का ये पूछा गया सेकेंड पाली में यानी कि सेकेंड सिटिंग में ये पूछा गया था इसका पार्ट वन में एक से चालीस तक बता दिए हैं आज हम इकतालीस से बताएंगे तो मेरे साथ में आप लोग जवाब दीजिएगा जितना भी क्वेश्चन है अगर क्वेश्चन का आंसर पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ठीक है चलिए दोस्तों तैयार हो जाइए क्वेश्चन नंबर इकतालीस से जवाब देने के लिए ठीक है जो नए स्टूडेंट हैं वो आराम से गौर से सुनते जाइए क्वेश्चन नंबर इकतालीस है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है काफी इंपॉर्टेंट सवाल है धोबिया सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है आप लोगों को याद रखना ये होता है एन ए टू सी ओ थ्री इंटू टेन एस टू ओ ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को याद रखना है बयालीस नंबर क्वेश्चन है कि निम्नाकित में से कौन अधातु है अब धातु अधातु पहचानना है आपको ठीक है तो जवाब दीजिए क्या है आपके सामने ऑप्शन भी है ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है ऑप्शन है और पूछ रहा है कि कौन अधातु है तो आप लोगों को याद रखना है ये पी जो है हमारा क्या है अधातु है अच्छा बताइएगा सी यू का नाम क्या है पी का नाम क्या है एफ ई का नाम क्या है एन आई का नाम क्या है चलिए हम बता देते हैं सी यू का कॉपर हो गया एफ ई का आपका आयरन हो गया एन आई मतलब निकेल हो गया अब आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि ये P का नाम क्या हो जाएगा आपका आंसर P है तो P का नाम कमेंट बॉक्स में जरा हमको बताइएगा ठीक है देखते हैं कि आप लोग क्या देते हैं जवाब सही या गलत तैंतालीस नंबर क्वेश्चन है कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है काफ़ी शानदार है और आप लोगों को बताएं कि परमाणु संख्या एक से लेकर तीस तक आप लोग याद कर लीजिए कम से कम तीस तक याद कर लीजिए यहाँ से आपको चार से पाँच नंबर मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जाता है आपके सामने है देख लीजिए ना दो में पूछा गया है प्रथम पाली में जो पूछा गया था वो तो क्वेश्चन बैंक का करा ही दिए हैं और ये द्वितीय पाली का जो है क्वेश्चन है और देखिए इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 2024 में भी ठीक है तो आप लोगों को बिल्कुल भी डरना नहीं है अगर आपके पास बुक है तो ठीक है नहीं है तो खरीदना भी नहीं है सारा चीज़ हम खरीद लिए हैं आप लोगों को केवल पढ़ना है ठीक है ना तो कैल्शियम की जो परमाणु संख्या होती है दोस्तों याद रखिएगा वो हो जाएगा आपका कितना बीस कितना हो जाएगा बीस अब बताइएगा पोटेशियम का परमाणु संख्या क्या होता है हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में अच्छा बताइए हम ऑप्शन भी देते हैं अठारह और उन्नीस ये दो में आपको जवाब देना है पोटेशियम का परमाणु संख्या क्या है अठारह या उन्नीस कॉमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा आपका देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं जो जवाब देते हैं चौवालीस नंबर क्वेश्चन है मैंडलीप की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है ध्यान दीजिएगा मेनलिप की आवर्त सारणी में जो है वर्गों की जो संख्या है वो आठ है कितनी है आठ है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पैंतालीस नंबर क्वेश्चन है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है याद रखिएगा दोस्तों जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है सी ए एस ओ फोर इंटू टू एस टू ओ होता है ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को याद रखना है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए छियालीस नंबर बोरोन का परमाणु भार क्या है अब लीजिए परमाणु भार से भी एक दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर साल ठीक है अब हरे अब दो का जो फर्स्ट इटिंग का जो क्वेश्चन बताया है क्वेश्चन बैंक से उसको जाकर देखिएगा और इसको देखिएगा ठीक है क्वेश्चन देखिए परमाणु भार से रहता ही रहता है एक दो क्वेश्चन बोरन का जो परमाणु भार होता है दोस्तों याद रखिएगा वो होता है ग्यारह कितना होता है ग्यारह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सैंतालीस नंबर क्वेश्चन है केला माइन जो है केला माइन निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है ध्यान दीजिएगा केला माइन जो है ये जेडन का अयस्क है किस धातु का जेडन का अयस्क है यानी कि जिंक का अयस्क है ठीक है आइए अड़तालीस नंबर क्वेश्चन है अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन ध्यान दीजिए नाइट्रोजन ये क्वेश्चन काफी बीवीआई है हाइलाइटेड क्वेश्चन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात क्या होता है ये क्वेश्चन हर साल भर के पूछा जाता है भर भर के पूछा जाता है ठीक है बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा एक अनुपात तीन क्या हो जाएगा एक अनुपात तीन क्लियर है ना उनचास नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पराग कोष में पाया जाता है पराग कोष में कौन पाया जाता है आपके सामने चार ऑप्शन है और आप लोग जवाब दीजिए तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पराग कोष में पराग कन ही पाया जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है पचास नंबर क्वेश्चन है और जवाब दीजिएगा निम्नांकित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है कौन पादप हार्मोन नहीं है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीटोसिन जो है ये हमारा पादप हार्मोन नहीं है इक्यावन नंबर क्वेश्चन है अलैंगिक जनन की विधि क्या है अलैंगिक जनन की जो विधि है दोस्तों वो हमारा है बीजाणु जनन मुकुलन विखंडन यानी कि ये तीनों सही है तो आप जो ओ एम आर में गोला रंगेंगे वो कौन रंगेंगे ए बी सी डी में कौन सा डी वाला कौन सा डी वाला क्योंकि ये तीनों सही है तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी बावन नंबर क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधों किस पौधे का चयन किया था अब ये क्वेश्चन आप लोग जवाब नहीं दीजिएगा तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगा इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए देखते हैं मटर का चना का गेहूं का इनमें से कोई नहीं जल्दी जवाब दीजिए जल्दी से जवाब दीजिए कॉमेंट बॉक्स खोलिए ए बी सी डी करके जवाब दीजिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा मटर का क्या हो जाएगा मटर का ठीक है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए तिरपन नंबर कह रहा है निम्नांकित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है अब इसका जवाब भी आपको देना ही देना है कमेंट बॉक्स में ठीक है ध्यान दीजिए जल्दी से जवाब दीजिए हम तो बता ही देंगे पहले आप लोग भी थोड़ा कोशिश कीजिए जो याद किए हैं ठीक है थीके? तो देखिए कि कितना याद किए ठीक है ना जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है ध्यान दीजिएगा जीव विज्ञान का पिता होता है अरस्तु कौन है अरस्तु ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चौवन नंबर क्वेश्चन है मानव युगवक में मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है दो कितनी दो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर पचपन है आपके सामने शानदार क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में किसमें क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छप्पन नंबर क्वेश्चन है गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है किसमें जो गुर्दे होते हैं गुर्दे में जो उत्पादित मूत्र जो है ये अस्थायी रूप से संग्रहित होता है ये किसमें होता है तो आपको याद रखना है ये होता है मूत्राशय में किसमें मूत्राशय में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सन्तावन नंबर क्वेश्चन है पेंटेन पेंटेन जिसका अनुसूत्र सी फाइव एच बारह है बिल्कुल सही है सी फाइव एच बारह है पेंटेन का एथ ब्यूट पेंट ऑक्ट होता है है ये आपका ठीक है? तो पेंटेन जिसका अनुसूत्री बारह है कि कितने संरचना जो है समावयवी संभव है कितने संरचना समावयवी संभव है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका तीन कितना हो जाएगा तीन ऑप्शन नंबर सी याद रखना है अंठावन नंबर क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा कह रहा है कि कार्बन जो है आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है काफी इंपोर्टेंट सवाल है कार्बन जो है आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है याद रखिएगा ये है आपका चौदहवें सदस्य चौदहवें वर्ग का सदस्य है ठीक है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अगला क्वेश्चन समझिए क्वेश्चन नंबर उनसठ है घेंघा रोग पनपता है घेंघा रोग पनप पनपता है किसकी कमी से अब जल्दी से जवाब दीजिए अगर आप मेरा क्लास देखते हैं सारा क्लास देखते हैं तो आपको पता होगा इससे पहले वाले वीडियो में भी बताए थे कि किस कमी के कारण घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण से और रोग जो पनपता पनपता है वो भी है आयोडीन की कमी से ठीक है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साठ नंबर क्वेश्चन है रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं किसमें तो ध्यान रखिएगा पत्तियों पर पाए जाते हैं ठीक है अब दोस्तों ये क्वेश्चन हम नहीं बनाए हैं ठीक है ये क्वेश्चन हम नहीं बनाए हैं ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है जो 2023 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है ठीक है ये ओरिजिनल क्वेश्चन है ठीक है ना अगर क्वेश्चन बैंक पूरा पढ़ के जाते हैं चाहे वो साइंस हो या मैथ्स हो या इंग्लिश हो या हिंदी हो या संस्कृत हो या एस हो ठीक है आप अगर ईमानदारी से पूरा क्वेश्चन बैंक पढ़ लेते हैं हम आपको ये भी कह रहे हैं कि आप किसी और बुक को नहीं पढ़िए क्वेश्चन बैंक अगर पूरा 2011 से 23 तक का पढ़ लेते हैं 2011 से 23 तक का तो समझिए आपका मार्क्स बेहतर आएगा और जो आप सोचे हैं जितना आप सोचे हैं उतना मार्क्स आएगा ठीक है ना तो एक ही सब्जेक्ट को पढ़िए लेकिन ईमानदारी से पढ़िए ठीक ना चलिए इकसठ नंबर क्वेश्चन है रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं रक्त चाप मापने के उपकरण को कहते हैं एस्फिग्नोमीटर ठीक है क्या कहते हैं ठीक है एस्फिग्नो मैनोमीटर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर है बासठ पराग कोष में क्या पाए जाते हैं अभी हम आपको कुछ देर पहले भी बताए थे या पार्ट वन में या पार्ट टू में इसी में था कि ठीक है पराग कोष में क्या पाए जाते हैं पराग कोष में पाए जाते हैं परागन आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को याद ही होगा नहीं पढ़े हैं तो फिर क्या कहना ये लेकिन क्वेश्चन हम बताए थे लसिका का रंग क्या होता है देखिए साइंस में आपको इसी तरह के इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा ठीक है और क्वेश्चन बैंक एक बार पढ़ के जाइए ना फिर देखिएगा कि किस तरह से आप लोग क्वेश्चन बना के आइए सारा क्वेश्चन पढ़ के जाइए ठीक है लसिका का रंग क्या होता है लसिका का जो रंग होता है दोस्तों हल्का पीला होता है पूरा पीला नहीं हल्का पीला होता है ठीक है चौंसठ नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन एक जैव और नवीकरणीय पदार्थ है जैव और निम्नकरणीय पदार्थ है ठीक है निम्नकरणीय पदार्थ है आपके सामने ऑप्शन भी दिया गया है और बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी क्या हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पैंसठ नंबर क्वेश्चन है कि सेल का व्यूतवाहक बल है सेल का व्युतवाहक बल क्या होता है तो सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया जो कार्य होता है वो हमारा होता है सेल का व्यूतवाहक बल ठीक है क्या होता है सेल का व्यूतवाहक बल सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य व्यूतवाहक बल है ठीक है छियासठ नंबर क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है किस दिशा में ये भी क्वेश्चन हम कराए हैं हमको लगता है ये क्वेश्चन 2023 के प्रथम सिटिंग में पूछा गया यानी फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पूछा गया था और इसका जवाब हम बताए थे एक दी सी है ठीक है हम आपको बोल रहे हैं ना ईमानदारी से अगर आपका सपना है प्रॉपर बनने का साढ़े चार सौ प्लस नंबर अचीव करने का तो ईमानदारी से पूरा क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिए और कुछ नहीं पढ़ना है क्वेश्चन बैंक पढ़ के जाइए फिर भी आप टॉपर बन के आइएगा ठीक है अगला क्वेश्चन सड़सठ नंबर क्वेश्चन है आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है जल्दी से जवाब दीजिए कम्युनिटी में भी हम आपको पोस्ट किए थे और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए थे कि सर इसी तरह का क्वेश्चन दीजिए तो इसी तरह का क्वेश्चन हम समझ रहे हैं कि जो क्वेश्चन आपको याद है वो आपके लिए आसान है और जो नहीं याद है हम सब समझ रहे हैं जो नहीं याद है वो उसका जवाब कौन देगा वो भी तो सीखना जरूरी है आवेश का ऐसा मात्र क्या है तो आप लोगों को पता होगा आवेश का ऐसा मात्र गुलाम होता है इसको हम सी से सूचित करते हैं अड़सठ नंबर क्वेश्चन है दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है अब पहले यह बताइए ये जो दूर दृष्टि दोष है इसका मतलब क्या हुआ क्या वो दूर की वस्तु को देख सकता है या नहीं पहले यह बताइए दूर दृष्टि दोष का मतलब यह हुआ कि वो दूर की वस्तु को देख सकता है अब दोष लगा हुआ तो इसका मतलब यह नहीं समझिएगा कि वह नहीं देख सकता है दूर दृष्टि का मतलब है कि वह दूर की वस्तु को देख सकता है यहां पूछ रहा है कि दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है कहाँ की वस्तु को तो दूर की वस्तु को ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचिएगा कि दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु उसको नहीं दिखाई देगा नजदीक का दिखाई देगा ऐसा नहीं सोचना है ठीक है ना कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी उनहत्तर नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है नाभिकीय ऊर्जा याद रखना है ठीक है क्या हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा सत्तर नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज प्रभाव प्रभाव विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था अब जवाब दीजिए किसने किसने? किया था? महासे ने। ने। इकहत्तर नंबर क्वेश्चन है चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में ध्यान दीजिएगा चिन्हों की चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है किसकी उत्तर लेंस की उत्तल दर्पण की ये उत्तर लिखा गया है हम आपको बताएं ना कहीं कहीं पर मिस्टेक हो सकता है प्रिंट करने में हो जाता है वो तो इंसान ही करता है ना कोई ऐसा नहीं रोबोट करता है रोबोट से भी गलती होता है इंसान से भी हर एक इंसान से गलती होता है तो चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी जो होती है आप लोगों को याद रखना है उत्तल लेंस में भी और उत्तल दर्पण में भी ये दोनों सही है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी दोनों ठीक है बहत्तर नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में, में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है ध्यान दीजिएगा विद्युत का जो सुचालक होता है सामान्य नमक जो है विद्युत का सुचालक होता है वो होता है धनावेश एवं ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण ठीक है क्या हो जाएगा धनावेश तथा ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण क्लियर है चलिए समझ गए ना आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा काफी शानदार क्वेश्चन है और इसी तरह से आप लोगों को समझना है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है अच्छा से समझिए ठीक है चलिए तिहत्तर नंबर क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसी गोली दर्पण की अगर फोकस दूरी यानी कि एफ बराबर प्लस का बीस सेंटीमीटर है प्लस का बीस सेंटीमीटर है यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है ध्यान दीजिएगा जब कभी भी आपको प्लस में दिया रहे ठीक है तो प्लस में अगर फोकस दूरी दिया रहे तो आपको उत्तल मारना है और माइनस में दिया रहे हैं तो अवतल मानना है क्योंकि पॉजिटिव वाला जो है मतलब धनात्मक जो है वो उत्तल का होता है ऋणात्मक अवतल का होता है चौहत्तर नंबर क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है ध्यान दीजिएगा समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है तो आपके सामने ऑप्शन है और ये होता है हमारा काल्पनिक होता है क्या होता है काल्पनिक होता है ठीक है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पचहत्तर नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है ये तो काफी हाईलाइट क्वेश्चन है हर शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा ठीक है काफी हाईलाइट क्वेश्चन है दर्पण सूत्र कौन है यानी कि दर्पण सूत्र क्या होता है आपके सामने ऑप्शन दिया गया है और बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एक बट्टा एफ इक्वल वन बट्टा भी प्लस वन बट्टा यू यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को याद रखना है अगला क्वेश्चन देखिए छिहत्तर नंबर क्वेश्चन है किसी समतल दर्पण द्वारा किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है किसी समतल दर्पण द्वारा जो आवर्धन होता है दोस्तों याद रखिएगा ये होता है हमारा प्लस वन होता है क्या होता है प्लस वन होता है ठीक है सतहत्तर नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण के बारे में पूछ रहा है किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है तो मिल सकता है किस में समतल दर्पण से भी उत्तल दर्पण से भी अवतल दर्पण से भी यानी ये तीनों सही है तो आपका जवाब होना चाहिए इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अठहत्तर और जवाब दीजिएगा कह रहा है आकाश का जो नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है आकाश का नीला रंग होना ध्यान दीजिएगा आकाश का जो नीला रंग होता है वो प्रकीर्णन के कारण होता है किसके कारण प्रकीर्णन के कारण ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उनासी नंबर क्वेश्चन है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई ध्यान दीजिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई ठीक है किरण मुड़ जाती है किस दिशा में अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई किरण जाती है तो वो किरण किधर मुड़ जाएगी अभिलंब की ओर अभिलंब से दूर अभिलंब के साथ संपाती इनमें से कोई नहीं तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी ठीक है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अस्सी कह रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है किस लेंस की धनात्मक पॉजिटिव हम आपको बताए थे पॉजिटिव जब भी आपसे पूछे उतना लेंस लगाना है निगेटिव अब लगाना है ठीक है तो इस तरह से दोस्तों कंप्लीट कर दिए हैं दो यानी कि सेकेंड सिटिंग का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो अस्सी साइंस में ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए हैं आप लोग एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा ठीक है देखिए इम्पोर्टेंट है रिवीजन भी अब पढ़ने से कुछ नहीं होता है पढ़ने के लिए तो आप लोग इतना दिन बहुत चीज़ पढ़े होंगे लेकिन क्या वो चीज़ आपको याद है याद वही होगा जिसको आप बार बार रिवीजन करते होंगे तो इसको भी आप रिवीजन कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और आप लगे रहिए तैयारी में लगे रहिए अब आपको सोचना नहीं है कि कब से पढ़ना है अब आपको पढ़ना अभी से है पढ़ते रहिए जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए ठीक है चलिए तो उम्मीद करते हैं समझ गए क्वेश्चन बैंक का हर शिफ्ट का क्वेश्चन हम आपको बताएंगे इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक टीचर और एक स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन साथ में मित्र के व्यवहार जैसा होना चाहिए मित्रता का व्यवहार होना चाहिए तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग पढ़ाई में तन मन धन लगाकर पढ़ाई कीजिए और आपका जो सपना है वो हम भगवान से दुआ करेंगे कि आपका जो एम है वहाँ तक आप लोग पहुँच जाइए ठीक है ना चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम